नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में विधानसभा सत्र आज से 27 को आएगा बजट। विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। वर्तमान पंचम विधानसभा का यह अंतिम बजट सत्र होगा। वहीं चंपई सोरेन सरकार का यह पहला बजट होगा। 27 फरवरी को सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट रखेगी। 2 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 3 दिनों तक बजट पर चर्चा होगी। इससे पूर्व सदन में पहले दिन सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट लेकर आएगी। वर्तमान बजट सत्र में 7 कार्य दिवस होंगे। बजट सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सहित कई विधायक पहुंचे थे। बैठक में सत्र के सफल संचालन के लिए स्पीकर ने पक्ष विपक्ष से सकारात्मक सहयोग मांगा है। इधर बजट सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष ने तैयारी कर ली है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने बैठक कर सदन को लेकर रणनीति बनाई है। विपक्ष के हमले का एकजुट होकर जवाब देंगे। मुख्यमंत्री आवास पर सत्ता पक्ष के झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायक जुटे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर सदन में पूरी मजबूती के साथ विधायक अपनी बात रखें। झारखंड पात्रता परीक्षा का रास्ता साफ, 16 वर्ष बाद आयोजित होगी परीक्षा। राज्य के कॉलेजों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हता तय करने के लिए आयोजित होने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा जेट का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित नियमावली अधिसूचित कर दी है। इसके तहत यह पात्रता परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी। इस तरह राज्य में 16 वर्ष बाद यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह परीक्षा वर्ष 2007-08 में आयोजित हुई थी, जो काफ़ी विवादित हुई थी। नवगठित नियमावली में परीक्षा के पैटर्न में कई बदलाव किए गए हैं। अब यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 2 पत्रों की होगी। JSSC CGL का प्रश्न पत्र लीक मामले में एजेंसी को हाई कोर्ट से राहत नहीं। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी को शो काज किए जाने पर हाई कोर्ट ने JSSC को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने परीक्षा का आयोजन करने वाली एजेंसी सत्वत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड को किसी प्रकार की राहत नहीं दी और शो काज पर रोक लगाने के आग्रह को नामंजूर कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा शो काज किया गया कंपनी को काली सूची में डालने के लिए दिया गया नोटिस सही नहीं है, इस पर रोक लगाई जाए। परीक्षा के प्रश्न पत्र ने परीक्षा केंद्र और न ही ट्रेजरी से लीक होने की शिकायत मिली है। ऐसे में कंपनी को शो काज किया जाना गलत है। JSSC की ओर से अदालत को बताया गया है कि कंपनी ने प्रश्न पत्र प्रिंट किया था। प्रथम दृष्टया प्रश्न पत्र लीक मामले में कंपनी की संलिप्तता प्रतीत होती है। इसी कारण से कंपनी को काली सूची में दर्ज करने के लिए शो काज किया गया, इसलिए याचिका खारिज कर देनी चाहिए। गढ़वा में पिकअप पलटने से 18 मजदूर घायल। गढ़वा के बिष्णुपुर थाना क्षेत्र के सारो गांव स्थित मंदिर के पास गुरुवार सुबह मजदूरों से भरी पिकअप वैन खाई में गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 18 घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए सभी लोग सारो गांव के रहने वाले थे। मृतक की पहचान ओम प्रकाश बिहार 18 वर्षीय पिता स्वर्गीय विचार बिहार के रूप में हुई है। घायलों में मृतक की माँ चंपा कुंवर समेत अन्य लोग शामिल हैं। घायलों को गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग अपने घर से एक पिकअप वैन में सवार होकर रोजाना की तरह बिष्णुपुर थाना क्षेत्र के पिपरी कला में नल जल योजना में मजदूरी करने जा रहे थे। चालक तेज रफ्तार से वैन चला रहा था। इसी दौरान सारो गांव में पिकअप वैन अनियंत्रित होकर करीब 15 फीट आहार में गिर गई। झारखंड में संपन्न लोग भी अबुआ आवास लेने की फिराक में, 11 लाख आवेदन रद्द। झारखंड में अबुआ आवास लेने के लिए ग्रामीणों में होड़ मची है। संपन्न लोग भी आवास लेने की कोशिश कर रहे हैं। अर्हता पूरी नहीं करने के बावजूद आवेदन देने से नहीं हिचक रहे। ऐसे कई लोग जुगाड़ कर आवास की राशि लेने के चक्कर में पड़े हैं। यही वजह है कि आवेदन का आंकड़ा 31 लाख तक पहुँच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद आयोग लोगों का नाम हटाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब तक 11 लाख आवेदन रद्द किए जा चुके हैं। इनमें कई आवेदन डुप्लीकेट थे, यानी कई व्यक्ति के दो दो आवेदन भी थे। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन्हें पहले से आवास मिला हुआ है सूची में उनके नाम भी शामिल थे।
सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों, आर्थिक रूप से संपन्न पक्का घर के मालिकों ने भी आवेदन दिया था। ऐसे आयोग के आवेदन को रद्द किया गया है। अब आवेदन की संख्या घटकर 20 लाख तक पहुंच गई है। अब भी आवेदनों में शामिल नामों का सत्यापन कराया जा रहा है। आयोग पाए जाने पर लोगों ने नाम हटाए जा रहे हैं। ऐसे में अभी संख्या और कम हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने से पहले झारखंड में हो सकती है नए बिजली ट्रैफिक की घोषणा। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले ही राज्य में नए बिजली ट्रैफिक की घोषणा हो सकती है। यह ट्रैफिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए होगा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 16 फरवरी को राज्य विद्युत उपभोक्ता सलाहकार परिषद की बैठक कर ट्रैफिक की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं बताया गया है कि बजट सत्र के समाप्त होते ही 10 मार्च से पहले ही ट्रैफिक की घोषणा की जा सकती है। बता दें, JBVNL के वित्तीय वर्ष 23-24 के ट्रैफिक में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2.30 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर 6.30 रुपये प्रति यूनिट है। इसे बढ़ाकर 8.60 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। देवघर जिले में अब तक 26% ही अनाज का उठाव। मार्च में राशन कार्डधारियों को अनाज मिलने में परेशानी हो सकती है। FCI से अनाज उठाव की गति धीमी रहने के कारण ऐसा हो रहा है। देवघर जिले में हर महीने 60,000 क्विंटल अनाज का आवंटन होता है, जिसमें चावल एवं गेहूँ दोनों शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 26% ही अनाज FCI से उठाव कर JSFC तक पहुँचाया गया है। शेष अनाज का 29 फरवरी तक उठाव होना है। निर्धारित तिथि तक अनाज का उठाव नहीं होने पर मार्च का आवंटन लैप्स हो जाएगा और इसका सीधा असर लाभुक पर पड़ेगा। बता दें, JSFC गोदाम में कार्यरत मजदूर संघ के लीडर कांग्रेस भोक्ता बताते हैं कि FCI से अनाज उठाव कर JSFC तक पहुंचाने वाले संवेदक के द्वारा बीते 1.5 महीने से अनलोड करने वाले मजदूरों को ट्रक ड्राइवरों को भुगतान नहीं किया जा रहा, जिस कारण FCI में लोडिंग ही नहीं हो रही है। 10 लाख के इनामी नक्सली साहेब राम को मिली पारसनाथ की कमान। नक्सलियों के लिए सेफ माने जाने वाले पारसनाथ जोन की कमान भाकपा जोनल कमेटी के मेंबर और 10 लाख के इनामी साहेब राम मांझी को सौंप दी गई है। साहेब राम मांझी को यह जिम्मेदारी 1 करोड़ के इनामी सह नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी के मेंबर प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दाने सौंपी है। पारसनाथ जोन की कमान संभालने के बाद साहेब राम मांझी इलाके में नक्सली संगठन को मजबूत करने के साथ साथ संगठन में नए सदस्यों को जोड़ने में जुटा है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि साहेब राम मांझी पीराटांड थाना क्षेत्र के करंदो का रहने वाला है। उस पर सरकार ने 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। स्कूलों में 80% छात्रों की स्वास्थ्य जांच होने पर मिलेंगे 2,000 रुपये। सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे झारखंड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान के तहत अब हेडमास्टरों, आरोग्य दूतों समेत अन्य सहकर्मियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। स्कूल में नामांकित छात्रों में 80% या अधिक विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जाँच करने पर 2,000 रुपये प्रत्येक स्कूल को दिया जाएगा। JCERT ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। धनबाद में 665 स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। पलामू के 6 रूटों से दौड़ेगी सरकारी बसें, मुफ्त में कर सकेंगे सफर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गरीबों को मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पलामू जिला समेत सभी जिलों के वाहनों को रवाना किया है। इसके साथ ही पलामू जिला में 6 रूट पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी चल पड़ी है। इन रूटों में गोईदी से मेदिनीनगर, मेदिनीनगर से गोईदी, मेदिनीनगर से चीनिया, चेक से मेदिनीनगर, मेदिनीनगर से रंका व मेदिनीनगर से परसवार शामिल है। जिला परिवहन पदाधिकारी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मकसद पंचायतों को अनुमंडल से और अनुमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ना है। ईडी ने छापेमारी की तो हजारीबाग की 12 महिलाओं के खाते में डाल दिए 3.90 करोड़ रुपए। हजारीबाग जिले के टाटी झरिया थाना क्षेत्र के झरपो गांव की 12 महिलाएं परेशान हैं। ईडी पटना ने इन महिलाओं के बैंक खाते फ्रीज करते हुए सभी को अंग्रेजी में लिखा 113 से 115 पन्नों का नोटिस भेजा है। 2 फरवरी को भेजे गए ईडी के नोटिस के अनुसार महिलाओं के बैंक खाते में कोलकाता से 3.90 करोड़ रुपये डाले गए थे। इनमें से पूर्व में 3.25 करोड़ रुपए की निकासी हो चुकी है। बचे हुए 65 लाख रुपए में से बाद में 6 लाख रुपए और निकाले गए। ईडी ने इन महिलाओं को अपना पक्ष रखने को कहा है। जिन महिलाओं को ईडी का नोटिस मिला है वे अशिक्षित और बेहद ही गरीब हैं।
जल्द पूरी करे ट्रांसफर पोस्टिंग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लिखी चिट्ठी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग की कार्रवाई पूरी कर ले। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के रवि कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 21 दिसंबर 2023 को एक पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि लोकसभा आम चुनाव 2024 से पहले चुनाव कार्य से जुड़े उन सभी पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों का तबादला सुनिश्चित किया जाए जो पिछले 4 में से 3 साल से एक ही जगह पर पोस्टेड हैं। हेमंत सोरेन अब 7 मार्च तक रहेंगे जेल में। हेमंत सोरेन को कोर्ट से डबल झटका लगा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को गुरुवार को 7 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हेमंत सोरेन को शामिल होने की अनुमति देने से भी अदालत ने इनकार कर दिया है। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में पेश किया। पीएमएलए कोर्ट के जज राजीव रंजन ने हेमंत सोरेन और ईडी के वकील की दलील सुनने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। दुमका में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस पर पथराव। झारखंड के दुमका में जरमुंडी प्रखंड के तालझारी थाना के खजूरिया गांव में दो पक्षों के बीच चल रहे भूमि विवाद को सुलझाने गई पुलिस पदाधिकारियों व जवानों पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया जिसमें जरमुंडी थाना के SI बमशंकर सिंह को सिर में चोट लगी है जबकि 7 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। चोटिल होने वाले पुलिसकर्मियों में SI भी शामिल हैं। झारखंड में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य के सिविल न्यायालयों और न्यायिक अकादमी झारखंड रांची के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफर के 399 पदों पर भर्ती के लिए सूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 1 मार्च से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। बता दें झारखंड उच्च न्यायालय अंग्रेजी स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के लिए आयु सीमा 21 से लेकर 35 वर्ष रखी है। आयु की गणना के लिए निर्धारित तिथि 1/1/2024 है। आयु में छूट सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी। धन्यवाद।